इस वक्त हम जामा मस्जिद पर मौजूद हैं। जैसे आपको मालूम है कि बहुत ज़ोरों से 10 तारीख का आह्वान भारत बंद का चल रहा था, लेकिन किसी भी संस्था ने या जमात ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उसके बावजूद हम यह देखेंगे कि जामा मस्जिद या आसपास की और मसाजिद में जैसे कि लोगों से अपील की गई है कि बाद नमाज जुमा जो लोग अपने अपने जुलूस की शक्ल में इख्तियार करके वहाँ से जाएँ, देखेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। किसी पार्टी की तरफ से कोई एहतजाज नहीं है, मौजूद थे ये उनके जज्बात थे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे जो जज्बात हैं हमारे दिल में जो उनके लिए मोहब्बत है। देखिए, हम किसी मज़हब को बुरा नहीं कहते और ना ही हमारे नबी की कोई ऐसी तालीम है और ना कुरान के अंदर हमें कोई ऐसी तालीम दी गई है कि हम किसी के माबूद को बुरा कहें, और हम किसी मज़हब के बारे में कोई बुरी बात नहीं कहना चाहते। तो हम दूसरे हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो साथ रहने वाले मज़हब के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम उनसे ये अपील करेंगे कि हमारे जज्बात और हमारे एहसासात का भी आप ख्याल रखिए। जो है श्री राम की भी इज्जत करते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पूरी पूरी हम चाहते हैं दूसरे लोग इज्जत करें। और जिन लोगों ने इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ा है, वो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस्लाम की ऑथेंटिक बुक्स को पढ़िए। आपको व्हाट्सअप पर क्या ज्ञान मिल रहा है या फेसबुक पर आपको इस्लाम के बारे में क्या बताया जा रहा है, वो असल नहीं है। आपको अगर पढ़ना है तो इस्लाम के बारे में जो अच्छे राइटर्स हैं उन्होंने लिखी हैं किताबें जो इस्लाम को सही तरीके से पेश करती हैं, आप उनको पढ़िए। देखिए, गिरफ्तारी या मारपीट किसी मसले का हल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनके दिमाग के अंदर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ कड़वाहट है, हम नूपुर शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं और नवीन जिंदल जी से भी कि आप असल किताबें इस्लाम की पढ़िए। अगर आपको किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आता है तो आप किसी अच्छे मुस्लिम स्कॉलर से मुलाकात कीजिए कि भाई हमें इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज़ इसके बारे में समझाइए, क्योंकि जिस वक्त वो समझेंगे इस्लाम को, इस्लाम उनके सामने खुलता चला जाएगा। नहीं, देखिए, यहाँ हम किसी हादसे को अंजाम देने के लिए नहीं बैठे। अमन, हम एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, तो बिल्कुल अमन से करेंगे, क्योंकि इस्लाम शांति का और अमन का मज़हब है। कोई भी मज़हब किसी मज़हब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की या उसको बुरा कहने की इजाज़त नहीं देता। वही कवानीन और वही जो है सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। निखिल भाई, जो ये मसला चल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो भी हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं। हम चाहे किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन अपने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी कोई भी करता है, और भारत की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उन प्रवक्ताओं को बाहर कर दिया है, और वो भी इसकी मजम्मत कर रहा है और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। हुजूर की शान में कोई भी आदमी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आम मुसलमान अपनी जान निछावर कर सकता है, लेकिन उनके बारे में कभी भी कोई ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट अमीर अहमद राजा मौजूद हैं। राजा भाई, ये बताइए किस तरह का मामला, क्या चल रहा है? ये मामला ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नहीं, पूरे आलम के, पूरी दुनिया के लिए नबी हैं। अल्लाह ने उनको रहमत बना के भेजा था, उनकी शान में गुस्ताखी करना नाकाबिले तलाफी जुर्म है। ये इसके लिए लोगों ने अपने अपने आज बहुत से मुस्लिम इलाकों में कारोबार बंद रखे, दुकानें बंद रखी, एक तरह से देखा जाए तो हड़ताल करी इस गम गुस्से में कि पुलिस ने FIR दर्ज तो कर ली, किसी भी दबाव में करी हो चाहे, लेकिन उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं करा। गुस्ताख रसूल जो हैं खुले फिर रहे हैं और उनको सिक्योरिटी मुहैया करा रही है पुलिस। इसलिए मुतालबा यही है लोगों का कि इनके ख़िलाफ़ इनको अरेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों में गम गुस्सा कम हो। इस वक्त हम इलाका चाहे जामा मस्जिद के SHO राजेश जी के पास मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि आज भारत बंद का आह्वान था, लेकिन किसी भी जमात ने इस बारे में जिम्मेदारी नहीं ली कि किस जमात की तरफ से हुआ, लेकिन उसके बावजूद मस्जिदों में काफ़ी लोग आ गए। हम यहाँ जामा मस्जिद पर मौजूद हैं और यहाँ पर कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। एक बड़ा हादसा होने के टल गया, लेकिन लोगों ने खामोशी से एहतजाज किया। तो SHO साहब, आप यहाँ पर किस तरह से लोगों को अपील करना चाहें? जी, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ जो आज डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, ये लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, उसके बाद इन्होंने अनऑर्गेनाइज तरीके से बाहर आके प्रदर्शन किया है,
और इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो बाहरी लोग थे, जामा मस्जिद के रिहायशी या पुरानी दिल्ली के रिहायशी लोग नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को जब हम लोगों ने यहाँ से इन लोगों को हटाया, तीतर बितर किया, तो यहाँ के जो लोकल जो नुमाइंदे हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उन लोगों ने पुलिस का बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन किया है। उनके सहयोग से हम लोगों को यहाँ से हटाने में कामयाब हुए हैं। और ये हमेशा लोग जो रिहायशी लोग हैं यहाँ के, वो पुलिस के साथ हैं और ऐसे ही किसी भी अनटोवर्ड सिचुएशन को हैंडल करने में पुलिस के साथ खड़े होते हैं। आज भी इन्होंने ऐसे ही हमारे साथ सहयोग किया। मैं यहाँ के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ छोटी छोटी बातों में जो आजकल अफवाहों का बाजार गर्म है, उस पर वो लोग ध्यान ना दें। अगर उन्हें कोई ऐसी कोई बात उनके नॉलेज में आती है, नोटिस में आती है, जिससे इलाके की अमन शांति को खतरा हो, तो वो बात आगे पहले हमें बताएं ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें और इलाके की जो शांति है उसे कायम रख सकें। अपने लोगों ने बराबर और गुस्से का इजहार किया, लेकिन खामोशी से एहतजाज किया, वीडियो के अंदर ही एहतजाज किया, और किसी भी पार्टी ने जो है यहाँ पर इस बात को नहीं माना, अपना खामोश जो है गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी ने इजहार किया, सबका ये कहना है कि ये एक घर का मामला नहीं बल्कि ये आलम इस्लाम का मामला। अगर हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, कानूनी की तरीके से जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये दिल्ली से अहमद रमीश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।